माफियों का राजा साल्वाटोर रीना। आज की ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो एक गरीब परिवार से होने के बावजूद सिसिली का सबसे पावरफुल डॉन बन जाता है। सत्ता पाने की उसकी इस चाह ने उसे क्राइम की दुनिया में एंट्री भी दिलाई और दूसरे माफिया बॉसेस का फायदा उठाते हुए लीडरशिप भी दिलवाई। उनका मानना था कि इसमें जितनी गलती माफिया की है उतनी ही गलती गवर्नमेंट की भी है, जो कि अपने जजेस की रक्षा नहीं कर पाए। और अब इटालियन गवर्नमेंट अपने कमर कस लेती है, जिसके माफिया वॉल के ही एक आदमी से मिलते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। वो उस आदमी से रीना के बारे में सवाल जवाब करते हैं, जिसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि रीना का पैलर्मो में एक फार्म हाउस है जहां वो आजकल अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, जिसके बाद अथॉरिटीज कई समय तक उस फार्म हाउस पर नजर रखती है। और फिर 15 जनवरी 1993 का मौका पाते ही वो रीना को गिरफ्तार कर लेती है। रीना के गिरफ्तार होते ही शहर में टेरर अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ने लगे। सभी माफियाज इसे अपनी एकता को शो कर रहे थे, लेकिन अथॉरिटीज इस गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा खुश थी। एक न्यूज एंकर ने टेलीविजन पर रीना के अरेस्ट पर अपनी खुशी जाहिर की थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और लगातार कई बॉम्ब अटैक किए गए। इन घटनाओं में कई मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। माफियों ने इटली की कई आर्ट गैलरी और चर्च को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार सरकार किसी भी हालत में रीना को रिहा करने के मूड में नहीं थी। रीना के खिलाफ कोर्ट में 26 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटीज को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि रीना जब तक जेल में रहेगा वो किसी से भी नहीं मिल पाएगा, ताकि जेल के अंदर रहते हुए वो अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज ना कर सके। जेल में ही रहते हुए मार्च 2003 में रीना की एक हार्ट सर्जरी की गई, जिसके बाद हार्ट अटैक की शिकायत होने की वजह से उसी साल में उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। इस हार्ट सर्जरी के बाद कई बार रीना को हार्ट की शिकायतें उत्पन्न हुई। रीना के लॉयर्स ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो उसे उसके घर में ही इम्प्रिजनमेंट कर दे, ताकि वो उसके अच्छे से देखभाल कर सके, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद 2017 में कार्डियक अरेस्ट के चलते रीना की मौत हो जाती है। तो ये थी बॉस ऑफ माफिया बॉसेस साल्वाटोर रीना की कहानी। और ऐसे ही कहानी पर KGF 3 की स्टोरी बेस्ड होने वाली है। तो फिलहाल हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।